हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ पोहा का रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पोहा को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट स्टाइल से बनाई जाती है और आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही इजी एंड सिंपल है और इस रेसिपी को मैंने थोड़ा सा अपने स्टाइल से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप जाड़ा पोहा लिया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जाड़ा पोहा ही यूज करें। अब पोहे को पहले हमें धोना है, तो पानी डाल के एकदम हल्के हाथों से धो लीजिए। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, नहीं तो पोहा टूट जाएगा। फटाफट से ये पानी को छानकर निकाल दीजिए। बस इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। पोहे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम ग्रीन पीस, ब्रोकोली का पीसेस, चॉप्ड ग्रीन चिली, 1 छोटा चॉप्ड अनियन, 1 छोटा चॉप्ड टमाटो, 10 से 12 करी पत्ता और 1 छोटा स्लाइस किया हुआ कैरेट। अब हम कढ़ाई को गरम कर लेंगे। इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हल्का सा ज्यादा रखना है तो जो पोहा है ड्राई नहीं बनता है। एक बार तेल गरम हो जाए उस पर हम 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड, 1 कटा हुआ चॉप अनियन, 10 से 12 करी लीव्स डाल के इसको हम स्टर कर लेंगे और 2 ग्रीन चिल्ली, 1 चॉप टमाटो डाल के इसको अच्छे से स्टर कर लेना है। इसको मीडियम फ्लेम में 1 मिनट तक कुक करना है। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर डाल के मिक्स करें। अब ये ग्रीन पीस को भी डाल के मिक्स करें। एक टेबलस्पून सॉल्ट, कटा हुआ कैरेट, 1 ब्रोकोली डाल के अच्छे से स्टर कर लीजिए। अभी सोप पोहा को कढ़ाई में ऐड कर दीजिए। आपको अभी लाइट हाथों से स्टर करना है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से स्टर करते जाएंगे तो पोहा टूट जाएगा, तो ध्यान देना, एकदम लाइट हाथों से पोहा को स्टर कीजिए जब तक सारे पोहे येलो रंग के नहीं हो जाते। आप 1 टीस्पून लेमन जूस डाल के 1 से 2 मिनट तक पकाना है। और आप देख सकते हो हमारे पोहा एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है। सर्व करने से पहले इसे एक बार मिक्स कर दे। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल ले। ये हमारे पोहे एकदम खुले खुले बने हैं, एकदम मॉइस्ट बने हैं और ड्राई बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस बने हैं।
तो इस तरीके से आप पोहे को बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को मेरी पोहा का रेसिपी पसंद आई होगी तो एक बार जरूर बना के ट्राई करें। इसका टेस्ट रियली अमेजिंग हुआ था। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, टेक केयर।